नमस्कार। वाक्य रूपांतरण एक ऐसा टॉपिक जो आता बहुत कम मार्क के लिए है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए। तो वाक्य रूपांतरण का अर्थ होता है एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार में बदलना। और आपके कक्षा 10 की परीक्षा में सिर्फ रचना के आधार पर वाक्य का परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। तो पहले समझते हैं कि रचना के आधार पर वाक्यों की तीन भेद हैं। पहला भेद है सरल वाक्य और या फिर साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित या फिर मिश्र वाक्य। तो पहले हम लोग समझते हैं सरल वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य मतलब जैसे आप नाम से ही समझ सकते हैं, एक बहुत साधारण वाक्य जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। यानी कि जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो जैसे मैं कहूंगा रोहन दूध पी रहा है, तो इसमें एक ही सब्जेक्ट है यानी रोहन, और एक ही विधेय है यानी दूध पी रहा है, और इसमें एक ही क्रिया है यानी पीना। तो ये हो गया एक सरल वाक्य। अभी हम लोग जाते हैं दूसरी ओर यानी संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य मतलब जैसे आप नाम से ही भाप लोगे, संयुक्त मतलब जोड़ना, मतलब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर जो वाक्य बनाया जाता है वो होता है संयुक्त वाक्य। और इसमें समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है। समुच्चय बोधक मतलब वे शब्द जिनको जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि और, या, इसलिए, क्योंकि, ये सब जो कंजंक्शंस हैं इन्हें हम लोग समुच्चय बोधक करते हैं और इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं संयुक्त वाक्यों में। जैसे कि राम को भूख लगी थी और इसलिए उन्होंने खाना खाया, ये हो गया एक संयुक्त वाक्य। अभी आते हैं हम लोग तीसरे भेद में और वह है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य मतलब वो वाक्य जो दोनों प्रकार का एक मिश्रण कह सकते हो आप। क्यों? क्योंकि इसमें सरलता भी है लेकिन साथ साथ दो वाक्यों को जोड़ा भी गया है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब मैं शाम को खेलने गया था तब प्लेग्राउंड में कोई नहीं था। तो यहां पे दो सेंटेंसेस हैं और मैं उन्हें जोड़ रहा हूं जब और तब से। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग मिश्र वाक्य में होता है। इस बात का आप थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग में रख लीजिए कि जब, तब, ज्यों, त्यों, जैसे, वैसे, ये सब शब्दों का यूजुअली मिश्र वाक्य में प्रयोग होता है। तो उम्मीद है कि आपको वाक्यों का परिवर्तन, कौन से तीन भेद होते हैं, ये सब समझ आ गया। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है बताने के लिए कि कैसे हम लोग परिवर्तन करें। तो उसीलिए मैं क्लास 10th का प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2018 का पेपर, बोर्ड एग्जाम का पेपर, उसमें से जो तीन क्वेश्चन आए थे उनका परिवर्तन करके आपको आंसर्स दूंगा। शुरुआत करते हैं हम पहले से। ये आपका चौथा क्वेश्चन है, खंड क में चौथा क्वेश्चन। पहला है, जापान में चाय पीने की एक विधि है जिसे चा नो यू कहते हैं। ये आपके स्पर्श टेक्स्ट बुक से ही है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस है, ये है एक मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य को अभी हमें बदलना है सरल वाक्य। तो कैसे बोलेंगे हम लोग? बहुत आसान है, जापान में चाय पीने की विधि को चा नो यू कहते हैं। दूसरे में आते हैं, ततारा को देखते ही वामीरो फूट फूट कर रोने लगी। यहां हमें मिश्र वाक्य में इसे बदलना है। कैसे बदलेंगे? जैसे ही ततारा ने वामीरो को देखा तब ही वह फूट फूट कर रोने लगी। बहुत आसान। तीसरे में आते हैं, ततारा की व्याकुल आंखें वामीरो को ढूंढने में व्यस्त थी। इसे हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। अगेन आपने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ दो सिचुएशन का बखान किया गया है। एक है ततारा की व्याकुल आंखें हैं और दूसरी है कि वामीरो को वो ढूंढ रहे थे आंखें। तो अगेन आपने दो सेंटेंस में बांट लिया। अभी आपको बस उन दो सेंटेंस को जोड़ना है एक समुच्चय बोधक के साथ। कैसे करेंगे? ततारा की आंखें व्याकुल थी और वे वामीरो को ढूंढने में व्यस्त थी। हो गया, और डाल दिया बीच में। तो मैं बोलूंगा ये बहुत सिंपल है और तीन मार्क आपको आराम से आ जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिए, जरूर शेयर कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए।